हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं साड़ी पर पिको करने। तो इससे पहले होता है जो साड़ी के साइड में जो भी रेशा धागा या कपड़ा टेढ़ा मेरा होता है उसको हमने काट करके अलग कर देते हैं, क्योंकि उसे सिलाई सही नहीं होगा। तो इस तरह से हमने दोनों साइड का टेढ़ा मेढ़ा रेशा या धागा जो भी है कपड़ा उसको कट करके अलग कर दिया। अब हम इसको रील से बॉबिन में धागा को लपेटेंगे। तो इस तरह से हम बॉबिन में धागा लपेट देंगे। इसके बाद हम, क्योंकि पिको के लिए ज़्यादा धागा का ज़रूरत नहीं होता है, तो अब थोड़ा हो गया, इसको हमने कट करके अलग कर दिया। धागा थोड़ा बॉबिन में फंसा हुआ था उसको हमने हटा दिया और इसको फिट कर लिया। अब हम इसको मशीन का जहाँ पार्ट होता है वहाँ पर सेट कर दिए। अब हम ऊपर वाला जो प्लेट होता है, तो सिंपल सिलाई के लिए अलग प्लेट होता है और पिको के लिए अलग प्लेट होता है, तो इसको हम अब इसमें फिट कर देंगे। जिसे पिको का कपड़ा प्लेट के द्वारा ही मुड़ा जाता है और हम बटन को चेंज कर देते हैं, जिसे धागा इधर उधर होकर के पिको हो जाएगा। तो हमने ऊपर वाला भी धागा इस तरह से लगा लिए। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सुई में धागा लगाने से पहले धागा का मुंह जो होता है सिरा उसको काट लिया जाता है, तो आसानी से धागा सुई में लग जाता है। तो अब धागा ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों फिट हो गया। अब हम देखिए साड़ी पर पिको करेंगे, तो थोड़ा सा जो किनारा होता है उसको हाथ से मोड़ करके और प्लेट के सहारे इसको सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से एक बार जब सेट हो जाएगा तो आराम से पूरे साड़ी में पिको हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके बाद पिको होने लगेगा। तो देखिए अब हमारा प्लेट में साड़ी फिट हो गया है। तो इस तरह से हमारा साड़ी पिको होने लगा, आप लोग को दिख ही रहा होगा। बस सिर्फ हमको हाथ के सहारे साड़ी को बढ़ाना है, क्योंकि ये हाथ मशीन है इसलिए इसको एक हाथ से चलाना होता है, दूसरे हाथ से संभालना होता है। नहीं तो पैर वाला रहता तो दोनों हाथ हमारा फ्री रहता, हम आराम से उसको कर लेते। तो इस तरह से एक साइड हो गया पिको। अब हम दूसरी साइड का पिको करेंगे। तो इसको भी हम उसी तरह थोड़ा सा साइड पर मोड़ लेंगे और प्लेट के सहारे फिट कर देंगे। तो इसमें पहले से धागा
पहले वाली पार्ट में लगा हुआ था, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, जल्द ही फिट हो गया। तो हम पिको कर लिए साड़ी पर। तो दोस्तों, आप लोग देखते हुए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ साड़ी में थोड़ा साइड पर मोर मार होता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो हमारा पिको हो गया है, अब हम इसको धागा कट कर लेंगे और साड़ी को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने साड़ी को फोल्ड किया। दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा वीडियो देखते रहिएगा। बाय बाय।